काबुल में तालिबान का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई। तालिबान का विरोध करते हुए लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे। कई मीटर लंबा झंडा लेकर मार्च निकाला गया। इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ा, तालिबान के लड़ाकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जबकि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि तालिबान सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह लगातार वहां पर फायरिंग की जा रही है तालिबान की ओर से। इससे पहले तालिबान ने अपनी छवि सुधारने के लिए कहा था कि आम माफी सभी को दे दी गई है, लेकिन ये हश्र है वहां पर जो अफगानी नागरिक हैं, किस तरह उन पर लगातार फायरिंग की जा रही है तालिबानियों की ओर से। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोग वहां पर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर भी डटे हुए हैं तालिबान के खिलाफ, किस तरह लोगों में आक्रोश है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मार्च निकाला जा रहा है बकायदा उनके खिलाफ। अपनी जान जोखिम में डालकर ये अफगानी नागरिक अपने झंडे को सम्मान दिलाने के लिए तालिबान के खिलाफ उतर आए हैं। तालिबान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखावा किया कि वो बदल गया है, लेकिन अब वो 20 साल पुराने तालिबान नहीं रहे। लेकिन अफगानिस्तान से रोजाना जो तस्वीरें आ रही हैं, वो साफ बयां करती हैं कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है। रोज रोज जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। तालिबान की ओर से ऐलान किया गया था कि अशरफ गनी सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आम माफी दी जाएगी और इन लोगों से काम पर लौटने की अपील भी की गई थी। वादे के बावजूद गनी सरकार में काम करने वाला एक अधिकारी, उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। इस हत्याकांड का सबसे खौफनाक पहलू ये कि इस अधिकारी की मौत के बाद भी आतंकी उस पर गोलियां चलाते रहे। लोगों को सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है। चोरी के जुर्म में उन्हें बीच चौराहे पर इस तरह सजा दी जा रही है। और तो और, महिलाओं पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। छोटी छोटी लड़कियों को भी बुरके में स्कूल जाना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का चेहरा अब किस तरह धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है। जहां पर वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश में झूठ पर झूठ बोलता आ रहा था, लेकिन ये तस्वीरें उसकी हैवानियत को बयां करती हैं। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आप तस्वीरें हम देख रहे हैं, भयानक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। जिस तरह अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जरूर था तालिबान, कह रहा था कि वो आम माफी दे दी गई है लोगों को, वहां पर किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसकी कथनी और करनी में धरती आसमान का फर्क दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये तो पहले से ही जाहिर था कि तालिबान अपना जो खुद की जो उसकी तासीर है या खुद की जो उसका एक छवि है, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की सोच तालिबान की है, वो सोच आज के परिपेक्ष में कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में खुद को स्टैंड करने के लिए, चूंकि इस अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसने, एक बार फिर से सरकार को वहाँ से बेदखल किया है, तो ऐसे में पहले से ही यह अंदेशा था कि इस तरीके की स्थितियाँ हो सकती हैं। और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी है कि अब जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जो है के सामने ये सारी बातें जा रही हैं। देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पहले कहते रहे हैं कि हम लोग जो है पुराने वाले तालिबान नहीं हैं, हम नए तालिबान हैं और हम लोग जो है हर किसी का सम्मान करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे अब नहीं नज़र आ रहा। पहले क्या होता था, पहले कम्युनिकेशन नहीं होता था, छोटे छोटे सूबों में वो जिस तरीके की भी जो है घटनाएं करते थे या बर्बरता करते थे, बहुत ज़्यादा वो सामने नहीं आती थी। लेकिन अब इंटरनेट के ज़माने में ये जिस तरीके से सामने आ रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो तालिबान है वो अपने जो चरित्र है उससे कभी भी पीछे नहीं हट सकता, उसकी स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। बिल्कुल संदीप, उनको खून खराब